रिमझिम चैप्टर टू फसलों के त्योहार। लेट्स स्टार्ट। अभी हम बिहार से शुरू करते हैं। सारा दिन बोरोसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है, मतलब आग के आगे हाथ तापते हुए पूरा दिन गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरू होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। खिचड़ी जैसे यहाँ पे मकर संक्रांति मनाया जाता है, वैसे बिहार में खिचड़ी का एक त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन बहुत गर्माहट होती है और इस समय ये लोग कि सूरज के इंतज़ार में बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। पूरे 10 डेज हो गए हैं, 10 दिन मीन्स 10 डेज। टेन डेज सूरज लापता हो गया। लापता मीन्स लॉस्ट। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। आज सुबह मतलब टुडे मॉर्निंग। आज तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। रजाई मीन्स क्विल्ट, मोटा सा कंबल, क्विल्ट। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा हो ही नहीं रहा था, पर अब जो घर में चहल पहल चल रही थी उसका अंदाज़ा अब हुआ। रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। कभी चापाकल मीन्स हैंडपम्प, चापाकल हैंडपम्प, हैंड पम्प। चापाकल से हैंडपम्प से पानी गिरने की आवाज़, पानी मीन्स वाटर। वाटर गिरने की आवाज़, आवाज़ मीन साउंड। कभी तो वाटर गिरने की साउंड आ रही थी या हाक लगाने की किसी को पुकारने की। जा भाग के देख केरा के पत्ते आयल की ना। बिहार में ऐसी भाषा बोली जाती है। यहाँ केरा मीन्स केला के पत्ते आए के क्या नहीं। भाग के देखो केले के पत्ते आए कि नहीं। आज ये लोग के उठेंगे नहीं का। क्या आज ये लोग उठेंगे नहीं। बोल जल्दी तैयार होकर, वो उन्हें बोलो जल्दी तैयार हो जाएं। अब तो उठने में ही भलाई, अब तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो शामत आ जाएगी। नहा धोकर मतलब बात कर सब एक कमरे में, एक रूम में इकट्ठा हो गए, एक रूम में इकट्ठे हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहने थे। ग्रैंडफादर और चाचा मीन्स अंकल ने क्या सफ़ेद वाइट
मांड लगी हुई, मतलब कोई कॉटन का कपड़ा जो बिल्कुल पतला होता है, पतला हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता। और उसको जो राइस हम बनाते हैं उसमें से पानी निकलता है, उसमें भिगोकर रख देते हैं और फिर ऐसे की ऐसे ही धूप में सुखा देते हैं, उसे कहते हैं मांड लगे हुए कपड़े। धो चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। खिचड़ी में ऐसन ठाड हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। हम खिचड़ी के त्यौहार में ऐसी ठंड कभी ना देख हमने कभी ना देखी। पूरा शरीर देह में शरीर कपकपा होता। पापा ने कहा, फादर ने बोला, पापा मीन्स फादर, शायद आज धोती में इन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ये जो चाचा और दादाजी ने धोती पहनी थी उन्हें उसमें ज़्यादा ही ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया में स्टूल, दादी बैठी थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए थे। दादी जी ने, ग्रैंड मदर ने अपने हेयर्स वॉश किए थे शैम्पू, अच्छे से शैम्पू। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुलके बाल। एक फ्रूट होता है सेमल का, जब वो ड्राई हो जाता है उसमें से रुई निकलती है। दादी जी के कुछ ऐसे ही हल्के फुलके बाल नज़र आ रहे थे। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आ रहा था, मतलब पास से देखने में भी कोई एक ब्लैक हेयर नज़र ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे थे। केले के पत्ते बहुत लंबे होते हैं, वो एक कतार में मीन्स एक लाइन में, एक लाइन में रखे थे। जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर लगे हुए थे। हर एक पत्ते पे तिल वाइट कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, जिनसे हम खाते हैं, तेल बनता है और छोटे छोटे लड्डू बनते हैं। गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। चावल आदि के छोटे छोटे ढेर लगे थे। राइस और बहुत चीज़ों के ढेर लगे थे छोटे छोटे, जैसे ये है केले का पत्ता। यहाँ पे जैसे यहाँ तिल के ढेर लगे पड़े हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा। हम बच्चों को उन चीज़ों को बारी बारी करके छूना है, छू के प्रणाम करना है। जब सब ने ऐसा कर लिया, तो उन सभी चीज़ों को उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया। जब ये सबने कर लिया तो उनको एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया। दान मीन्स कुछ देना और बदले में कुछ न लेना। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी, मतलब उनकी एल्डर सिस्टर आज बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। उन्हें चूड़ा दही भी नहीं पसंद है। चूड़ा मीन्स पोहा, पोहे के बीच में रख के दही मिक्स करके खाया जाता है, और खिचड़ी तो आपको पता ही होगा। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी नाश्ता मीन्स जो हम मम्मी से रिक्वेस्ट करके खाना बनवाते हैं, आज वो नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। उन
एल्डर सिस्टर्स को ये दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी, चूड़ा दही और खिचड़ी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी एक फेस्टिवल है, जैसे यहाँ पे हरियाणा में मकर संक्रांति मनाया जाता है, ऐसे ही बिहार में क्या मनाया जाता है, खिचड़ी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट बड़े चाव से खाए। जब सब ने खिचड़ी खा ली तो गया एक बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हरियाणा में पानीपत। तिल गुड़ और चीनी से बने हुए तिलकुट में तिल की चिक्की, जैसे यहाँ पे हम मूंगफली की चिक्की खाते हैं, आलू की चिक्की, बिस्किट टाइप के, बड़े चाव से खाया, बड़े इंटरेस्ट से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग इसमें मैं कौन है जिन्हें ये लेख लिखा है, ये स्टोरी लिखी है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना, कितनी अलग है। खाते खाते वो सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, कितनी अलग है ये खिचड़ी जो अभी ये लोग मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। ये जो स्कूल में खिचड़ी मनाते थे, खिचड़ी वाला फेस्टिवल मनाते थे, उसमें अलग ही मस्ती होती थी। छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते और फिर टापू पर बालू में दौड़ते बालू में टापू में नदी के किनारे जहाँ पर बहुत सैंडी मिट्टी होती है उसे बालू कहते हैं, बालू वाली मिट्टी। बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश कर पतंग उड़ाते या फिर उड़ाने की कोशिश करते। कितना मज़ा आता था, अच्छा लगता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। इधर हम पतंग उड़ाते और वहाँ गुरुजी, विमला दिदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंटों से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। यहाँ ईंट से चूल्हा में बहुत ईंटों को जोड़कर बीच में गड्ढा, उस पर बड़े से कड़ाहों में जिनमें 300-400 लोगों का खाना एक साथ बन सकता है, उसमें खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगे को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। हम भी अपनी पतंगों को काइट्स को पतंग मीन्स काइट को सुस्ताने मीन्स रेस्ट देने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। मटर मीन्स पीस, ऑनियन छीलना पिलिंग छीलने बैठ जाते थे पिलिंग। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, वैसी ही खिचड़ी
फिर कभी खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार। ढंग मनाने का कैसा भी हो पर है ही ये एक खुशियों का त्यौहार, हैप्पीनेस का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। जनवरी के माह में मीन्स 14-15 डेट को फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार ज़रूर मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है और कुछ लोग इस उम्मीद पे खुश होते हैं कि कब पाला कम होगा। फसलों के तैयार बन जाने पर कोई खुशियाँ बांटता है और कोई ये उम्मीद करता है पाला मीन्स अब सर्दी कम हो जाएगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। ये तो सूरज की गर्मी बढ़ेगी, सनलाइट मिलेगी पौधों को, इससे खेतों में खड़ी फसल उगेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन सब पैदावार की उम्मीद करते हैं और फसलों के घर आने की खुशियों का इजहार करते हैं। जैसे बिहार में खिचड़ी मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ये लोहड़ी, सरहुल, पतंग का पर्व, ओणम, ये सभी फसलों से जुड़े एक त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। इन त्योहारों को जनवरी से अप्रैल के हाफ तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशों खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड में ये सरहुल का फेस्टिवल बहुत जोश से मनाया जाता है, खरोश से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। झारखंड में इस सरहुल का 4 दिनों तक जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। अलग अलग तरह के रीजन इसको अलग अलग समय में मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, जो ये संथाल लोग होते हैं ये फरवरी मार्च में मनाते हैं, और औरव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। औरव लोग इन्हें मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन झारखंड में साल का एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों पे फूल आने लगते हैं और यही समय होता है जब साल के ट्रीज पर फ्लावर्स आने लगते हैं। है और बहुत ही खुशनुमा हो जाता है स्त्री पुरुष ढोल और मंजीरे बजाते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो वो ढोल बजाते हैं, मंजीरे होते हैं, मतलब कोई दो वो होते हैं उनको ऐसे पीटते हैं साथ साथ में।
लेकर रात भर नाचते हैं, पूरी रात तक नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, लंबे लंबे साल के वृक्षों का फॉरेस्ट, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, वहीं उनके आस जंगलों के आसपास बसे बजे बचे बसे हुए छोटे छोटे गांव। फ्रेंड्स देखो, ये है ढोल और ये है इस बॉय के पास मंजीरे, इनको ऐसे साथ साथ पीटते हैं। लिपे पूते एक करीने से बहुरे, और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में, कमर में बाहें ढालकर नृत्य करते हैं। वही लोग लिपे पूते मतलब अपने घरों को गोबर और पानी के बने हुए मिक्सर से लेपते हैं। करीने से बहुरे सजाए होते हैं अपने घर के सामने पंक्ति में, कमर में हाथ डालते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य मीन्स डांस, डांस करते हैं। डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। उस नेक्स्ट डे वो घर घर डांस करते हुए जाते हैं, नृत्य करते हुए जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगते की भी प्रथा है। चंदा मीन्स कुछ चीज़ें इकट्ठा करना, थोड़ी थोड़ी लेकर। चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? क्या आपको पता है वो चंदे में क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। वे चंदे में मुर्गा मांगते हैं, चावल मांगते हैं और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का ढोर। फिर वो खाते हैं, पीते हैं और खेलते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, तीसरे दिन जाकर थर्ड डे पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। उसके बाद उस दिन लोग अपने कानों में, ईयर्स में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इसी डे से जब झारखंड में पूजा होती है सरहुल की, उसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है, धान मीन्स पेटी की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। पूजा किया हुआ जो आशीर्वाद मिलता है उसको अगली फसल में बो दिया जाता है धान। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। इस दिन खरीफ की फसल जैसे चावल अरहर और भी बहुत होती है गन्ना, ये कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। धान को पेड़ी को कूटकर उनके ऊपर का छिलका निकालकर अंदर से चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। हर घर में, हर एक हाउस में मिट्टी का, सोयल का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल मतलब जो भी चावल कूटे हैं वो वाले राइस, दूध, मिल्क और गुड़ जागरी डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। इन तीनों चीज़ों को पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, हल्दी अच्छी मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। साबुत हल्दी बिल्कुल सॉलिड, जिसका पाउडर ना बनाया हो, उसको मटके के मुँह पर चारों ओर बांध देते हैं।
यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा रहता है, मतलब 10:30 to 12:30 तक ये धूप में रखा रहता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, उफान मीन्स जब जिस चीज़ में हम दूध गर्म करते हैं वो दूध बाहर निकलने लग जाता है आता है और दूध चावल मटके से बाहर आते हैं, दूध और चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं, तो सब पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। कुछ ये ऐसे पोंगला पोंगल जैसे स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। दूसरी ओर ये गुजरात में ये मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूपों की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। अगर हम ऊपर की ओर देखें तो इस दिन अलग अलग आकार की अलग अलग रंगों की पतंग लहराते हुए मिले, मीन्स उड़ती हुई। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है। हर गुजराती तो गुजराती होते हैं वो किसी भी धर्म का हो किसी भी आयु का हो जैसे 2-3-4 पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंग सूर्य को भी ढक देते हैं, सूर्य मीन्स सन को भी ढक देती हैं। हजारों लाखों पतंग थाउजेंड्स लाख पतंगे काइट्स कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमायूं स्टेट में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं, मतलब उनको मिक्स करके जो आटा बनता है उनसे पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं जैसे डमरू, तलवार, डाड़िम का फूल आदि। इन्हीं पकवानों को अलग अलग आकार दिए जाते हैं जैसे डमरू, तलवार, दादिम के फूल आदि। पकवानों को तलने के बाद, मतलब उनको फ्राई करने के बाद उन्हें एक माला में पिरोया जाता है, जैसे कि मोतियों को पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की कंडेरी, माला के सेंटर में बीच में गन्ने की कंडेरी और संतरा ऑरेंज रख पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह से करते हैं। यह काम बच्चे चिल्ड्रंस बहुत हैप्पीनेस के साथ करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, सवेरे बच्चों को यह माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी भी पार से चले जाते हैं, उस टाइम बहुत ठंड होती है तो पक्षी भी पहाड़ों से चले जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। पक्षियों को बुलाने के लिए बच्चे उसमें से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और यह गाना गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ ले कौआ बड़ो मैं के दे जान सोने का घड़ो खा ले पूरी मैं के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही यह गाना बच्चे गाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। इसके साथ ही जो मन में इच्छा चल रही हो वह मांगते हैं है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के हैं, ये कितने अंदाज हैं मकर संक्रांति को मनाने के लिए। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाजों से खिचड़ी बनाता, मतलब 5 प्रकारों के नए अनाजों से खिचड़ी बनती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान
स्नान करते हैं। सैलाब मीन्स तूफान के स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड में टूटते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। लोग ठंड से कांपते रहेंगे फिर भी बर्फीले बर्फ जैसे पानी में एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। हाल कुछ ऐसा होता है जिन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के एक दिन पानी में तिल ढालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल ढालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारा घर या इसमें यह बताया कि अलग अलग महत्व होते हैं, जैसे आग में तिल ढालना, तिल को दान देना, तिल के पकवान बनाना, तिल को पानी में ढालकर उसमें स्नान करना। स्नान में इस बात, तुम्हारे घर या इलाकों में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, तुम्हारे घर में इलाकों में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी। अगर तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जैसे एक ही इलाके में रहते हैं पर सब अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अब जैसे कोई बिहारी हरियाणा में है तो बिहारी बिहार में जैसे मनाया जाता होगा वैसे मना। सो द चैप्टर इज फिनिश। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय फ्रेंड्स।